हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद रुचि आज हम लोग पार्ट थ्री वीडियो करेंगे एंगल्स मेड बाय ट्रांसफर्सल ऑन पैरल लाइंस पे इसमें मैं आपको थ्री कुछ स्पेसिफिक सम्स करवाऊंगी जिसके बाद आपको आगे जो सम्स आप करेंगे उसमें काफ़ी आसानी होगी तो लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन राइट ए बी इज पैरल टू सी डी दिस इज़ गिवन गिवन है हम लोगों को इस क्वेश्चन में ए बी इज़ पैरल टू सी डी एंड यहाँ पर ये एंगल्स बने हुए हैं तो एंगल आर पी एस एंगल आर पी एस आर पी एस इज इक्वल्स टू थर्टी डि थर्टी नहीं सिक्सटी डिग्रीज गिवन है ठीक है सिक्सटी डिग्रीज एंड एंगल पी टी डी एंगल पी d इज इक्वल्स टू वन ट्वेंटी फाइव इट्स गिवन ये हम लोगों को गिवन इन्फॉर्मेशन है इस सम में एंड हम लोगों को फाइंड करना है यहाँ पे x एंड y की वैल्यू राइट right? तो अगर आप देखेंगे इस सम में कि ये ए बी है लाइन दिस वन इज़ ए बी एंड दिस वन इज़ सी डी राइट एंड ये लाइन अगर आप देखेंगे पी टी इस तरीके से यहाँ पे ये वन बन रहा है और यहाँ पर पी है मैंने पी एस नहीं बनाया आप उसको छोड़ दीजिए अभी तो अब जब दो पैरा लाइंस है तो ये क्या हो गया जब दो लाइंस को कट करा है तो ये ट्रांसवर्सल हो गया ठीक है दिस इज आई हैव एक्सप्लेन इन पार्ट वन वीडियो सो एंड प्लीज चेक दैट उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये तो ये एक ट्रांसफर्सल हो गया है यहाँ पे ठीक है दिस वन इज ए ट्रांसवर्सल तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये ट्रांसफर्सल है ला, ये एक एंगल इधर बन रहा है ये एक एंगल इधर बन रहा है तो दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो इट मीन्स ये जो पूरा एंगल है यहाँ पे y प्लस सिक्सटी डिग्री ये पूरा एंगल यहाँ पे है ये तो इसमें कट हो रहा है लेकिन मैं अभी वो ड्रॉ नहीं कर रही हूँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दो पैरल लाइन्स हैं ट्रांसफर से है तो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल ये हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं तो हम लोग कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे सिक्सटी डिग्रीज प्लस वाई इक्वल्स टू वन ट्वेंटी फाइव डिग्रीज ठीक है सिक्सटी प्लस वाई वन ट्वेंटी फाइव डिग्रीज बन रहा है वाई बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कॉमा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल तभी होते हैं जब लाइन्स पैरल होती हैं तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे ए बी इज पैरल टू सी डी राइट तो ये दो रीजन्स आपने लिखे प्लस आपने ये लिख दिया तो दिस इम्प्लाइज एंगल वाई इक्वल्स टू 125 ट्वेंटी फाइव डिग्री माइनस सिक्सटी डिग्रीज़ तो आपका आंसर आ जाएगा 65 फाइव डिग्रीज़ एंगल वाई राइट तो दिस इज़ डन ठीक है अब आप दूसरे तरीके से देखिए कि ये दो पैरल लाइंस दे रखी है ए बी एंड सी डी अब आपको ये वाले लाइन पी टी भूल जाइए अब आप यहाँ पे ये पी एस ठीक है पी एस हो गया यहाँ पे ये एक एंगल बन रहा है एक्स और ये एंगल बन रहा है सिक्सटी डिग्रीज इधर अब ये वाला एंगल प्लस एक्स ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए अब लिखो नाउ एंगल एक्स इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्रीज राइट क्यों सिक्सटी डिग्रीज है फिर अगेन आपको रीजन लिखना रीजन लिखना जरूरी है अदरवाइज आपके हाफ मार्क्स कट जाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कॉमा डल के ए बी इज पैरल टू सी डी ठीक है ये आ गया आपका इसको भी आप ब्रैकेट में लगा दीजिए तो हमें एंगल वाई और एक्स की वैल्यू निकालने को बोला था हमने निकाल दी तो दिस इज़ डन होप आपको समझ में आया होगा दिस फर्स्ट क्वेश्चन तो अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं नाउ दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन इन दिस ऑल्सो ए बी इज़ पैरल टू सी डी इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड एक्स वाई एंड जेड दिस इज़ ए बी एंड दिस इज सी डी यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो एरोज लगी हुई हैं इधर और इधर इट मीन्स ये दो लाइन्स पैरल हैं ठीक है साइन का मतलब ये होता है यहाँ पे कि ये पैरल लाइन्स हैं अब आप देखिए अगर ये दो पैरल लाइन्स हैं मैं आपको यहाँ ऐसे बना के दिखाती दूँ ये दो पैरल लाइन्स है दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी अब ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जब जो पैरल लाइन्स को या नॉन पैरल लाइन्स को अलग अलग पॉइंट्स पर कट करती है अगर अब हम यहाँ ये देखते हैं ए डी मैंने ये देखा ए डी ये बनाया दिस वन इज ए एंड दिस वन इज डी ठीक है दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी अब ए बी इज़ पैरल टू सी डी ये तो गिवन है अब ए डी जो है ट्रांसवर्सल है जो कि ए बी को कट कर रही है ए पॉइंट पे और सी डी को कट कर रही है डी पॉइंट पे ठीक है अब आप देखेंगे तो पैरल लाइन्स ये ट्रांसवर्सल इट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ठीक है आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करना सीखिए बिकॉज इस टाइप के सम्स बहुत सारे होंगे आपके बुक्स में आप प्रैक्टिस करेंगे मोर एंड मोर प्रैक्टिस करने से आपको ये सब चीज़ें और अच्छे से समझ में आने लगेंगी देखिए ये पैरल लाइन्स ट्रांसवर्सल तो दिस इज इक्वल्स टू तो दिस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल एक्स जो है एंगल थर्टी के बराबर है राइट बट हमें रीज़न लिखना होगा वाई बिकॉ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाई बिकॉज ए बी इज पैरल टू सी डी ठीक है अब इसी तरीके से अब जेड ए टी के बराबर हो गया ठीक यह तो यह है यहां पर यह पैरल लाइज यहां पर सी डी सी बी सी बी इज द ट्रांसफर्सल ठीक है थीके? तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल ये एटी डिग्रीज है ये जेड है ठीक है तो एंगल जेड इक्वल्स टू एटी डिग्रीज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स राइट एंड ए बी इज पैरल टू सी डी अगर आप इसमें ट्रांसवर्सल भी मैंशन कर देते हैं तो और भी अच्छा है कि अगर आपने लिखा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ए बी इज पैरल टू सी डी एंड इस केस में यहां पर क्या था हमारा जब हमने एक्स की वैल्यू लिखी थी एक्स की वैल्यू लिखी थी जब हमने तो हमारा था ए डी इज द ट्रांसवर्सल इस केस में हमारा एडी इज द ट्रांसवर्सल और इस केस में हमारा ट्रांसवर्सल क्या है सी बी ठीक है सी बी इज द ट्रांसवर्सल की इक्वल टू दी बी इज द ट्रांसवर्सल अब हमारी x एंड z की वैल्यू निकल गई ठीक है अब लिखेंगे नाउ इन ट्राएंगल अब हम ट्राइंगल लेंगे ए ओ बी ये ओ पॉइंट है ए ओ बी ठीक है ए बी में एंगल एक्स प्लस वाई प्लस एंगल जेड एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड किसी भी एंगल का सम सम पूरे एंगल्स का सम कितना होता है किसी भी ट्राएंगल का सम सॉरी किसी भी ट्राएंगल का सम कितना होता है वन एटी डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी से किसी भी ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है एंगल एक्स हमें पता है 30 डिग्रीज़ है एंगल वाई हमें फाइंड आउट करना है एंगल जेड हमें 80 डिग्रीज पता है तो 180 एटी डिग्रीज़ हो गया तो 30 प्लस एटी कितना हुआ 110 अब एंगल वाई की वैल्यू निकालनी है 180 डिग्री में से ये 110 उधर चला जाएगा माइनस हंड्रेड हो जाएगा एंड दिस इज़ 70 डिग्रीज एंगल वाई की वैल्यू आ गई 70 डिग्रीज थीके? तो इसी तरीके से हमारी एक्स वाई एंड जेड निकल गया होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा नहीं आया हो तो प्लीज रिवाइंड करिए थोड़ा देखिए एक या दो बारी भी आपको समझ में आ जाएगा एंड इस टाइप के सम्स और भी आपके बुक्स में होंगे तो वो आप जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा राइट right? अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं तो उससे आपको और ज्यादा आइडिया क्लियर हो जाए नाउ दिस इज द थर्ड एंड लास्ट सम ऑफ पार्ट थ्री इन दिस ऑल्सो ए बी इज पैरल टू सी डी डिवन एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स राइट तो अब आप देखेंगे तो ये ए बी एंड सी डी पैरल है और जो ये लाइन यहाँ पे जो कट कर रही है इसको टी ले दीजिए ये जो लाइन इसको कट कर रही है ये ट्रांसफर्सल है बिकॉज ये डिस्टिंक पॉइंट्स पर कट कर रही है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे अब जो uh, अगर आपने पार्ट वन मेरा चेक किया है उसमें मैंने आपको समझाया था कि एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ दर्स राइट और लेफ्ट अब ये है, हैं इंटीरियर में इंटीरियर में थ्री एक्स एंड टू एक्स थ्री एक्स एंड टू एक्स यहां पे एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो आप यहां पर लिख सकते हैं अब आप, सम, इस तरीके से आप सम करेंगे कि वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री कुछ भी लिख सकते हैं 180 डिग्री और सप्लीमेंट्री सेम बात है ठीक है वी नो दैट सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज वन एटी डिग्रीज का मतलब ये ट्रांसवर्सल है और जब पैरल लाइन्स गिवन है तो ट्रांसवर्सल के एक साइड के ऊपर जब एंगल्स बन रहे हैं तो सप्लीमेंट्री है तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज थ्री एक्स प्लस टू एक्स इक्वल्स टू वन एटी डिग्रीज राइट तो फाइव एक्स इक्वल्स टू वन एटी डिग्रीज दिस इम्प्लाइज दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू वन एटी डिग्रीज डिवाइडेड बाय फाइव अब इसको अगर आप कट करते हैं तो आंसर हमारा आ जाता है थर्टी सिक्स डिग्री फाइव वन ज फाइव थ्री जा सिक्स ज ठीक है तो इस तरीके से आपकी एक्स की वैल्यू आ गई तो हम लोगों को एक्स की वैल्यू ही निकालनी थी इस केस में बिकॉज यहाँ पे एक्स को निकालने को बोला लेकिन अगर आपको आगे फर्दर निकालने को बोला जाए कि थ्री एक्स एंड टू एक्स की वैल्यू निकाली तो आप आगे इसको कंटिन्यू करके निकाल सकते हैं थ्री इन एक्स एक्स की वैल्यू क्या है थर्टी सिक्स डिग्रीज़ तो आप यहाँ पे निकाल लीजिए थर्टी सिक्स डिग्री थ्री इंटू थर्टी सिक्स डिग्रीज कितना आएगा हंड्रेड एंड एट डिग्रीज़ आ जाएगा और टू एक्स की निकाल लीजिए टू इंटू थर्टी सिक्स डिग्रीज़ तो कितना आ जाएगा 72 टू डिग्रीज आ जाएगा अब देखिए हंड्रेड एंड एट एंड सेवेंटी टू डिग्रीज कितना होता है वन एटी डिग्रीज आ गया दोनों का सम 180 एटी डिग्रीज आ गया ठीक है वो प्रूफ भी हो गया तो इसी तरीके से आप बहुत सारे अनलिमिटेड सम्स इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं आ, मैं यही कहूँगी कि इस 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 वाले टाइप के सम्स और जितने प्रैक्टिस करेंगे आपकी प्रैक्टिस और आप और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे एंगल्स निकालने में ठीक है तो आप प्लीज़ पार्ट वन पार्ट टू एंड पार्ट थ्री पूरा देखिएगा तभी आप इसमें अच्छे से कर पाएंगे आपको उन तीनों वीडियोज़ का दोनों वन और टू का भी लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा तो और प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा थैंक यू वेरी मच